दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको ऑल्टो केटेन की माइलेज कंपैरिजन करके दिखाएंगे मारुति सुजुकी सेलेरियो, विगन आर और एस्प्रेसो के साथ। मारुति सुजुकी ने 18 अगस्त को अपनी नई ऑल्टो केटेन लॉन्च की है। इस हैचबैक में 1 लीटर का डुअल जेट इंजन दिया गया है। एक आम आदमी की गाड़ी होने के चलते इसमें माइलेज भी शानदार दिया गया है। कंपनी का दावा है कि नई ऑल्टो केटेन कार 24.9 या कहे 25 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज ऑफर करेगी। इतना अच्छा माइलेज होने के बावजूद ऑल्टो अपने ही कंपनियों की 3 गाड़ियों से पिछड़ गई है। यहाँ हम उन तीनों कारों के बारे में बता रहे हैं जो पेट्रोल इंजन में ऑल्टो से ज्यादा माइलेज दे रही है। नंबर 1 पर है मारुति सुजुकी सेलेरियो। मारुति की सेलेरियो में 1 लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन दिया गया है। इंजन को 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। ये देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कारों में से एक है। मैनुअल ट्रांसमिशन में ये 24.97 किलोमीटर और ऑटोमेटिक में 26.68 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज ऑफर करती है। सेकंड नंबर पर है मारुति वैगन आर। इसमें 2 तरह की पेट्रोल इंजन 1 लीटर और 1.2 लीटर मिलते हैं। दोनों ही इंजन को 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ जोड़ा गया है। इसका 1 लीटर इंजन ऑल्टो केटेन के मुकाबले ज्यादा माइलेज देता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ इसका माइलेज 25.19 किलोमीटर पर लीटर तक का है। और लास्ट में है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। इसमें भी सेलेरियो और वेगनर की तरह 1 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है। इंजन को 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ जोड़ा गया है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ इसका माइलेज 25.30 किलोमीटर पर लीटर तक का है। तो कमेंट करके जरूर लिखिए कि इनमें से आपका सबसे पसंदीदा गाड़ी कौन सा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए।